बीकानेर की खिदमत करो। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी चैलेंज करके भी कहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ मीडिया वालों से, मेरे भाइयों से, एक नज़र वहाँ बीकानेर में मार लीजिए जाकर, ताकि मुझे मेरा श्रेय मिल जाए। आई एम श्योर ऑफ सनी हाउस, तो विल डू इट। हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है साहब, हम इंसान, पहले अच्छे इंसान है, फिर एक्टर है, फिर बाकी सब कुछ है। तो वो करेगा, वो उसको बहुत सी, यू हैव टू फेस सो मेनी थिंग्स। आज ही शुरू हो गए, तुम तो वहाँ हो, ये करते हो, यहाँ क्या करोगे, वो क्या करोगे, यहाँ तो तीर लेके बैठे हुए रहे, कहाँ से, चारों तरफ से कोई अप्रिशिएट करता ही नहीं कभी। तो इसमें भी हम निकलते हैं, करके बताएंगे, वो करेगा। क्या कि घर में एक जीन्स में भी आ जाता है, और देख रहे हैं, इट इज नेचुरल। ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे में एक क्वालिटी होती है, इसमें ये होगी, इज एन इमोशनल पर्सन। तो मेरा क्या है कि जब कब ये, इसने ना कोई बात जब कहे ना बनी होगी, कोई बात जब सुने ना बनी होगी, इसकी तन्हाई, इसकी खामोशी से, खामोशी इसकी तन्हाई से बातें करने लगी होगी, और उसने गुफ्तगू खामोशी और तन्हाई लिख ली होगी। वही दिल को छूती है साहब, आपकी खामोशी और आपकी लोनलीनेस जब बातें करती हो, क्या बातें होती, उससे पूछिए, इससे पूछिए। आप भी करते हैं, लेकिन आप लिखते नहीं हैं, आप लोग भगदड़ में रहते हैं ना, ये भी जाना, आज भी जाना, वो लिखना चाहिए। दिल, लोनलीनेस एंड साइलेंस, टॉक इन लॉट, बहुत कुछ बोलते हैं। कभी बैठ के सोचिएगा, समझिएगा, और हो सके तो लिखिएगा। How has the relationship been with the Deol family? And did you get a chance to meet Bobby Deol as well? Yes, I've met everyone, and I think after spending so much time with everyone, they're like family to me now. And Karan for sure is a friend for life. Dharamji, sorry, one second. If it wasn't for her and her performances in certain scenes, it wouldn't have uplifted my own performance. So my performance is only as good as hers. Last two questions, please. Dharamji? ये तीसरी पीढ़ी है आपके परिवार की, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि आपकी और सनी के लिए है? करण ने, आपने करण को सुना, दिमाग से सुना या दिल से सुना? जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी जी, लेकिन लेकिन आपके दिल ने सुना तो आपको दिल क्या कहता है बताइएगा, आप दिल क्या कहता है? लेकिन हम लोग कहेंगे अपने घर की, सब अपनी तारीफ करते हैं, बच्चों की तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है आपकी जबान से निकले कि आपने क्या चाहा, आप क्या सोच रही हैं, कहाँ तक ले जाएगा, वो तो मंजूर तो उसको होता है, लेकिन आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है। आपकी आवाज़ बता सकती है, आपने उसको सुना, जी भर के सुना, काफी देर से बोल रहा है वो, आपके दिल को छुआ होगा। नहीं नहीं, संस्कार जरूर लिए हैं बहुत, लेकिन अगर एक्टिंग और दूसरी चीजों की बात करें तो वो उसमें आपको क्या लगता है? मैं गांव से आया था साहब, कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गया, मुझे रिएक्शन आता है, एंड एक्टिंग इज जस्ट रिएक्शन, और इमोशनल इंसान रिएक्ट फास्ट करता है। किसी ने कुछ प्यार से बोल दिया तो काम से, किसी ने कहा पी ले दो गुण तो बोतली पी गए, मतलब हम ऐसे लोग हैं, इमोशनल है, इमोशनल रिएक्ट कर, इमोशनल तो कुछ बुरा कहते तो वो भी है, वी रिएक्ट फास्ट। हमें मालूम है सिचुएशन की, अगर मैं प्रतिज्ञा में ट्रक ड्राइवर हूँ तो पुलिस ऑफिसर बन गया तो गाना कैसे गाएगा, वैसे ट्रक ड्राइवर की तरह गाएगा, वो हमारे अंदर क्वालिटी है। मैं भी कहीं सीख के नहीं आया था कहीं से, आपके सामने हूँ, 60 साल हो गए, चल ही रहा हूँ, तो ये भी करेंगे, कर लेंगे सब हम लोग, आप बगैर आपकी दुआओं के, उसके आशीर्वाद के कुछ नहीं होता, ये भी मैं कहता हूँ, और दुआएं लेनी हमें आती हैं। हेलो, जब आप स्टेज पर बैठते हैं, जब भी सनी और बॉबी के साथ आप बैठे हैं, तो वो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, कुछ भी बोलते नहीं आपके सामने, हमेशा इस तरह गुरु शिष्य। मुझे पिछले दिन लगा, मैं बहुत ज्यादा बकवा करता हूँ,
तो उनको बोलना चाहिए, मैं इसीलिए बोला नहीं कुछ ज्यादा। पोता कितना शरारती है, कितना शैतान है और कितना चंचल है, क्या वो आपको अपनी बात उस तरीके से रखते जैसे बच्चे नहीं रखते थे? नहीं, ये उस तरह मैं तो चाहता हूँ इस तरह से आए, लाड प्यार करें। वो अभी बदल गया कुछ, हर चीज़ जैसे मोहब्बत तो नहीं बदलती कभी, उन्होंने पूछा लव का क्या है, लेकिन लाइफ में एक स्पीड आ गई है, फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, फट 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 करो, तो सब एक दूसरे भगदड़ में रहते हैं। हमारे वक्त में ठहराव था, मैं भी माँ बाप के पास बैठता था, ये भी बैठते हैं, लेकिन को फिर लगा तो इसको शैतान बेचारा। पहले देखो, मैं मेरे पास एक गन थी 30 स्प्रिंगफील्ड, मैं एक रिवॉल्वर रखता हूँ, तो ये सुबह वेपन, बड़े पापा ये कौन से, बड़े पापा वो वेपन वो रिवॉल्वर दिखाओ, मैंने दिखाया तो एक दिन मैं लोड था, गन लोड थी, नकीली जो मेरी फॉल्स सीलिंग थी, ऊपर ऊपर छत भी ऐसी कमजोर थी, तो पट्टे ने ट्रिगर दबा दिया, तो मैं सुन यार ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर थी थोड़ी एक सन्नाटा हो गया यार, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कहता है बड़े पापा आई गो डाउन, मैं गो डाउन यार, तो मैं मेरे इलाके रख दी, फिर उसके बाद आया नहीं, मेरे पास काम आने लगा, कोई पता नहीं क्यों, फिर शुरू में आता था गुड बॉय है, लव है। Hello. Last question. Hey, hi Karan. This is Ravi Gupta here from Filmy Fever. Many, many congratulations for your debut film. Thank you. And entire team. Karan, एक पिता जो होता है, you know, बहुत अच्छा दोस्त होता है, साथ ही साथ बहुत अच्छा शिक्षक भी होता है. आज टीचर्स डे है. कोई ऐसी बात आपने सनी सर से सीखी हो जो आप अपने रियल लाइफ में रिटेन करते हैं, और ऐसी बात आप सबको बताना भी चाहेंगे जो हमारी यूथ को फॉलो करना चाहें? See, dad always told me never to give up, because a lot of his movies didn't work in between, and I saw him over there as a child at the age of 13, 14. He had a back problem, he couldn't get out of bed, and as a child you think, what can I do for my father? Dad, I also want to work, but at that age, unfortunately, I couldn't do anything to make him feel better. But he always says that at these moments, that's what shape you as a man, and never give up and always push on, and my father has never given up. And he's always told me what you feel in your heart, 100% do that and never give up, because the world is ready to put you down. But it is up to you to stand up, stand tall and move on like he has, and hopefully I've learned that from him. Karan ji, and Sanjay ji, aakhri sawal ye, you know ki present time mein jo actor aa rahe hain, wo bahut hi acha gaana bhi gaate hain. And Karan ji, aapne Ranveer Singh ka naam diya, wo bahut hi acha rap karte hain. Sanjay ji, aapne Alia ka naam liya, wo bahut hi acha gaana gaate hain. Aap log bhi aise gaana कोई बादल यू बरसता है, कल उन्होंने गा लिया था इंस्टाग्राम में. थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू गॉर्जियस फैमिली.